नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 19 जून 2023 को एक ऑर्डर जारी किया है। ये CGHS कार्ड जो लोग होल्ड करते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है। जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उनका हेड क्वार्टर अगर CGHS कवर एरिया में है और उनका रेजिडेंस जो है, एड्रेस जो है, वो भी CGHS कवर एरिया में है, तो उनके लिए एक मेडिकल बेनिफिट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो इसके रेट को अभी रिवाइज कर दिया गया है। जिन लोगों के पास CGHS कार्ड होगा वो अपना देख सकते हैं कि जो पहले रेट था टेस्ट का, जो लैब टेस्ट कराते थे CGHS पैनल वाले लैब में, तो उनके रेट जो पहले थे, अभी जो रेट है उनमें डिफरेंस आ गया है। तो वो रेट के रिगार्डिंग दिया गया है कि कौन कौन से रेट के रेट रिवाइज हुए हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या रेट रिवाइज हुआ है। कि अब देख सकते हैं यहाँ पे 5 कॉलम बने हुए हैं। पहले में सीरियल नंबर है, फिर कोड नंबर है, इन्वेस्टिगेशन है, रिवाइज रेट। दो टाइप के लैब होते हैं, एक NABH और NABL होते हैं और दूसरा नॉन NABH और नॉन NABL होते हैं। तो रेट का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो नॉन NABL और NABH होते हैं उसमें थोड़े सस्ते होते हैं, और NABH या NABL लैब अप्रूव्ड जो होते हैं उसमें थोड़े रेट ज़्यादा होते हैं। जैसे कि ECG का जो अब रिवाइज रेट होगा वो 175 होगा NABL अप्रूव्ड लैब का, और 150 रुपीज़ होगा नॉन NABL जो होंगे उसके। वैसे ही इको का दे दिया है, फेटल इको का दिया है, स्ट्रेस इको, डी स्ट्रेस इको, ये सारे जो इन्वेस्टिगेशन है, अलग अलग टेस्ट जो डॉक्टर लिखते हैं उनके कोड दिए गए हैं और उसका चार्जेस दिया गया है कि रिवाइज रेट क्या होगा। टोटल 36 इन्वेस्टिगेशन मतलब जो टेस्ट होते हैं उनके रेट को रिवाइज किया गया है, और इन सब के नाम यहाँ पे दे दिए गए हैं कोड के साथ। तो अब जो लोग CGHS कार्ड को होल्ड करते हैं वो अगली बार कभी भी लैब में जाएंगे तो अगर उनका जो रेट है इससे डिफर करेगा तो वहाँ पे बोल सकते हैं कि रेट रिवाइज हो गया है। बहुत बार होता है कि जो आपका पैनल वाला लैब था वहाँ पे अभी रिवाइज रेट नहीं है, उन लोगों के पास सिस्टम अपडेटेड नहीं है उनका, तो आप अपना बता के रिवाइज रेट से ही टेस्ट कराएं, अदरवाइज आपको बिल क्लेम में इशू हो सकता है। और इसका जो कोड है, कोड डालने से ऑटोमेटिक हो जो CGHS का रेट होता है उनको शो होने लग जाएगा। तो ये पूरा 36 इन्वेस्टिगेशन टेस्ट जो थे उनके रेट रिवाइज कर दिए गए हैं। और इसका PDF जिनको चाहिए मैं PDF भी टेलीग्राम पर दे दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।